I'm making class. वालेकुम क्लास, आवाज आ रही है? मैं पीपीटी अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा वेट करिएगा, ठीक है?
आसपास ऑलमोस्ट डालना है। लास्ट टाइम हम स्टार्ट किया था वर्टिकल कॉलम, इसको आपने पढ़ा था बाद में। आवाज आ रही है सबको? बस आवाज आ रही है सबको? इसको बाद में जाकर पढ़ा था सबने? ठीक है, ऐसे क्विकली रिव्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो है वो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्टार्ट किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि इसमें बेसिकली 26 जो है बोन्स है मेन, जिसमें 24 सेपरेट हैं, और जो 24 उसमें 7 सेवन है, ठीक है, उसको हम C1 से लेकर C7 तक डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद थोरेसिक स्टार्ट हो जाते हैं जो कि 12 है, और वो बेसिकली जो है वो T1 से लेके उसको T12 तक डिनोट करते हैं, ठीक है।
बाद जो है वो लंबर है, लंबर डिवीजन के वर्टिब्रे हैं जो कि 5 होते हैं, तो यहाँ तक 24 हो गए, 7 + 12 + 5 तो 24 ये वाले हो गए। तो जो लंबर डिवीजन के वर्टिब्रे हैं उनको हम L1 से लेके L5 तक डिनोट करते हैं उनको, ठीक है। और उसके बाद जो है वो सैक्रम स्टार्ट हो जाता है, जो कि बेसिकली 5 जो वर्टिब्रे होते हैं वो फ्यूज हुए होते हैं और एक ऐसे वेज शेप बोन बनती है, उसको हम सैक्रम कहते हैं। और उसको उसके जो इंडिविजुअल वर्टिब्रे हैं उनको हम S1 से लेके S5 तक डिनोट करते हैं। और फिर जो कॉक्सिक्स है, ये 3 to 5 जो है वर्टिब्रे ऑन एन एवरेज से जो फ्यूजन से जो है ये एक बोन बनी होती है, इसको हम कॉक्सिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक जो टिपिकल वर्टिब्रा है उसका स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, उसमें जो है ये अगर आपको ये डायग्राम याद हो, इसमें जो टिपिकल वर्टिब्रा है उसमें डायग्राम दिखाता हूँ, उसमें उसमें कुछ जो पार्ट्स हैं ये जो है वो डायग्राम जरा दोबारा देखें। इसमें एक इसका सुपीरियर व्यू है, ठीक है, और एक इसका लेटरल व्यू है, साइड व्यू है। इसमें हम देखें कि इसके जो मेन मेन पार्ट्स हैं एक टिपिकल लंबर वर्टिब्रे के, वो कौन कौन से हैं। एक इसमें जो राउंड, फ्लैट और जो सबसे जो ब्रॉड पार्ट है वो इसका वर्टिब्रल बॉडी है, ठीक है। अब उसकी पोस्टीरियरली एक जो फोरामेन है, जो होल है, उसको हम वर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं, ठीक है। उसकी जो लैटरल वॉल्स हैं वो बन रही हैं जिस जिस बोनी प्रोजेक्शन से, उसको हम पेडिकल कहते हैं, ठीक है। जबकि जो पोस्टीरियर वॉल्स हैं उनकी, उनको हम लैमिना कहते हैं। जहाँ पे पेडिकल और लैमिना मिल रहे हैं और एक बोनी प्रोजेक्शन लैटरली जो है वो प्रोजेक्ट हो रही है, उसको हम बेसिकली ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। और जहाँ पे दोनों लैमिना मिल रहे हैं और एक प्रोसेस डेवलप हो रहा है, एक बोनी प्रोजेक्शन डेवलप हो रही है, उसको हम स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके जो है वो मेन इसके पार्ट्स थे जो हमने उसमें डिस्कस किए थे, ठीक है। और जो थोरेसिक वर्टिब्रे है वो हमने डिस्कस किया था कि उसका जो है बेसिकली जो थोरेसिक वर्टिब्रे है उनके साथ जो हमारी रिब्स हैं वो भी अटैच्ड होती हैं, ठीक है। उसको हम दोबारा से एक दफा क्विकली रिव्यू करते हैं फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो एक इसका जो पार्ट है एक वर्टिब्रल बॉडी है, और उसके बाद बॉडी के ऊपर एक डिस्क होती है, कार्टिलेजिनस कार्टिलेज होती है बेसिकली, जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, यानी कि दो वर्टिब्रे के दरमियान। फिर एक वर्टिब्रल आर्च इसका पार्ट है, बेसिकली बॉडी के अलावा जो बाकी का सारा जो पार्ट है उसको हम वर्टिब्रल आर्च कहते हैं। और उसमें जो लेटरल वॉल्स हैं वो पेडिकल्स हैं, जो पोस्टीरियर वॉल्स हैं उनको लैमिना कहते हैं। फिर ट्रांसवर्स प्रोसेस है, स्पाइनस प्रोसेस है, और इसके 4 आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस होती हैं, दो जो ऊपर वाला वर्टिब्रा उनके साथ अटैचमेंट बेसिकली जहाँ पे आर्टिकुलेशन हो रही होती है वो, और जो दो नीचे वर्टिब्रे के साथ जो है वो आर्टिकुलेशन हो रही होती है, ठीक है। जबकि जो जितने भी वर्टिब्रल फोरामेन है सब वर्टिब्रे के, ये जब ऊपर नीचे ऐसे पड़े होंगे एक कनाल डेवलप होती है जिसको हम न्यूरल कनाल कहते हैं, और इस न्यूरल कनाल के अंदर बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पड़ा होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट जो है वो हमने डिस्कस किया था कुछ जो स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स थे रीजन वाइज, वो क्या है। सर्विकल का हमने डिस्कस किया था कि ये जो बेसिकली स्पेशली ये जो C1 और C2 के जो वर्टिब्रे हैं, इनमें साइडों पे भी जो है वो दो फोरामेन होते हैं जिसको हम ट्रांसवर्स फोरामेन कहते हैं, ठीक है। और इनमें जो है वो बेसिकली वर्टिब्रल आर्टरी जो है वो ऊपर ब्रेन की तरफ जा रही होती है, ठीक है। पहले वर्टिब्रे को हम C1 को हम एटलस भी कहते हैं, जो कि रिंग है, और इसकी दो जो है वो फैसेट्स होती हैं, सर्फेसेस होती हैं, जिनके साथ जो है वो ऑक्सीपिटल बोन जो है वो आर्टिकुलेट होती है, और जो वहाँ पे जो मूवमेंट होती है उसको हम नॉडिंग ऑफ द हेड कहते हैं, नॉडिंग की मूवमेंट होती है।
जबकि जो सेकंड जो सर्विकल वर्टिब्रा है इसको हम एक्सिस भी कहते हैं। इसके लिहाज से आपने एक जो चीज़ याद रखनी है कि एक इसका टूथ लाइक बोनी प्रोजेक्शन होती है, इसको हम डेंस या ओडोन्टॉइड प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, जो कि फिट होता है एटलस के एक फोरामेन के अंदर, ठीक है, वहाँ पे जो है हेड पिवट करता है, ठीक है। एक जो और जो चीज़ इसमें आपने याद रखनी है कि C7 पे जो एक उसका जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वो ज़रा ज़्यादा बड़ा होता है, प्रोमिनेंट होता है, और उसको हम वर्टिब्रल प्रोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। ये C1 है, ये नीचे वाला C2 है, ये एटलस है C1 ही, ठीक है। थोरेसिक में हमने डिस्कस किया था कि ये जो थोरेसिक वर्टिब्रे हैं ये कंपैरेटिवली सर्विकल वर्टिब्रे से बड़े होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने जो चीज़ याद रखी है कि इसकी जो थोरेसिक वर्टिब्रे की जो बॉडीज होती हैं और ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं, उनके फैसेट्स होती हैं जिनके ऐसे ऐसे आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस होती हैं जिनके साथ हमारी जो है वो रिब्स अटैच होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो लंबर, ये इनका स्पाइनस प्रोसेस कंपैरेटिवली सबसे प्रोमिनेंट होता है, ठीक है, और ये सबसे बड़े वर्टिब्रे होते हैं क्योंकि मोस्टली जो बॉडी का जो वेट होता है अपर बॉडी का वो इन पे बेसिकली ज़्यादातर लाई करता है, ठीक है। सैक्रम है, सैक्रम एक वेज शेप्ड बोन है और इसके मतलब 5 वर्टिब्रे जो है वो फ्यूज हुए होते हैं। इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बेस कहते हैं, नीचे वाले को टिप या एपेक्स कहते हैं, ठीक है। एक ये इलियम के साथ, इलियम जो बोन होती है राइट और लेफ्ट उसके साथ जॉइंट बनाती है, और वहाँ पर जो जॉइंट बनता है उसको हम सैक्रोइलियस जॉइंट कहते हैं, ठीक है। और इसकी साइड्स पे जो है वो ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से नर्व जो है वो बाहर निकलती हैं, उनको हम फोरामिना कहते हैं। ये जो कॉक्सिक्स है ये ट्रायंगुलर शेप्ड बोन है जो ऑन एन एवरेज 4 वर्टिब्रे जब हम मिलके ये बना रहे होते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 जो वर्टिब्रे हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने फीचर्स डिस्कस कर रहे थे वर्टिब्रल कॉलम के, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो एक सबसे पहले हम डिस्क इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि दो जो वर्टिब्रे होते हैं बेसिकली इनके दरम्यान एक डिस्क होती है जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, ठीक है। इसके जो है वो दो मेन पार्ट्स होते हैं इस डिस्क के, इस कार्टिलेज के, इस डिस्क के, जिसका जो जो आउटर पार्ट होता है इसको इसको हम एन्यूलस फाइब्रोसस कहते हैं, एन्यूलस फाइब्रोसस कहते हैं, और ये फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। ये हार्ड फ्रिजिड कार्टिलेज होती है और ये फाइब्रस कार्टिलेज, और इसके आउटर पार्ट को हम कहते हैं एन्यूलस फाइब्रोसिस, जबकि जो इसका इनर पार्ट होता है वो उसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, और ये सॉफ्ट होता है और ये जिलेटिनस मटेरियल का बना हुआ होता है, ठीक है। तो दो पार्ट्स इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क के, एक एन्यूलस फाइब्रोसिस जबकि न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट है इसका। इसका फंक्शन क्या है, बेसिकली इट्स अ शॉक अब्जॉर्बर और ये वर्टिब्रल कॉलम को बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर जो है एक जो इसमें जो सेकंड जो एक करेक्टरिस्टिक्स है वो करेक्टरिस्टिक है जो याद रखना है या फीचर याद रखना है वो है इंटरवर्टिब्रल फोरामिना, ठीक है। अब इंटरवर्टिब्रल फोरामिना के आवाज़ नहीं आ रही क्लास आपने, क्लास आवाज नहीं आ रही, अच्छा ठीक है। अच्छा उसके बाद जो इंट्रावर्टिब्रल फोरामिना एम्बर और बाकी जिनको आवाज़ नहीं आ रही एक दफा रिफ्रेश करके देख लें, मोस्टली को आवाज़ आ रही। इंटरवर्टिब्रल फोरामिना क्या है बेसिकली, कि ये जरा एक डायग्राम देखें,
इसमें अच्छा, जब इसमें जरा ये डायग्राम देखें, ये जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे एक आपको वर्टिकल कॉलम पूरा नजर आ रहा है, ठीक है। एक्सट्रीम लेफ्ट पे आप अगर गौर से देखें, ये एक आपको जो है वो पूरा वर्टिकल कॉलम नजर आ रहा है, ठीक है। अब जब दो वर्टिब्रे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर पड़े होंगे, तो वो उनकी कुछ अटैचमेंट ऐसे होती है कि दोनों साइडों से बेसिकली उनकी दो ओपनिंग्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। एक राइट साइड पे डेवलप हो जाती है और एक लेफ्ट साइड पे वो एक ओपनिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। और ये जो डेवलपमेंट है, ये जो होल्स हैं, ये जो ओपनिंग्स हैं जो एक दूसरे से उसके ऊपर जो पड़े हैं वर्टिब्रे, इनके दरमियान है, इसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामिना। इंटरवर्टिब्रल एक होगा तो इसको हम इंटरवर्टिब्रल फोरामिन कहेंगे, जबकि जब हम प्लूरल सेंस में कहते हैं इसको हम इंटरवर्टिब्रल फोरामिना कहते हैं, ठीक है। अब इन इन फोरामिना के थ्रू जो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली पूरी थ्रू ऑफ द लेंथ ऑफ वर्टिब्रल कॉलम जो प्रेजेंट है, जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं, ठीक है, या अंदर जा रही हैं या बाहर आ रही हैं, वो बेसिकली इस इंटरवर्टिब्रल फोरामिना के थ्रू एग्जिट और एंटर हो रही हैं, ठीक है। और बेसिकली ये जो पार्ट है, यहाँ से नर्व या तो एंटर हो रही है या बाहर आ रही है, ठीक है। तो इसलिए ये जो दो वर्टिब्रे के दरमियान जो एक ओपनिंग है दोनों साइडों से, एक राइट पे और एक लेफ्ट साइड पे, इसको हम इंटरवर्टिब्रल फोरामिना कहते हैं, ठीक है। आई समझ क्लास। यहाँ पे आपको ये नजर आ रही होंगी कुछ ओपनिंग ना, ये सारी की सारी साइडों पे कैसे होल्स नजर आ रहे हैं, ये इंटरवर्टिब्रल फोरामिना, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब इस इंटरवर्टिब्रल फोरामिना के थ्रू बेसिकली ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं और लिम्फ वेसल्स हैं, ये एंटर और एग्जिट हो रहे हैं, ठीक है। इन इंटरवर्टिब्रल फोरामिना के थ्रू जो नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, ये एंटर और एग्जिट हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। क्लास यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो पूछ लो तो आगे चलते हैं। क्लास यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो। क्लास आवाज आ रही है? क्लास ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट जो है, यहाँ तक हमने बेसिकली वर्टिबल कॉलम, उसके फीचर्स, और जो इंटरवर्टिबल फॉर्मिना और इंटरवर्टिबल डिस्क डिस्कस कर लिया, ठीक है। फिर है जो है वो नेक्स्ट है लिगामेंट्स ऑफ वर्टिबल कॉलम, ठीक है। अब लिगामेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? लिगामेंट एक फाइब्रस टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, ठीक है। और ये एक बोन टू बोन जो है वो एक कनेक्शन होता है बोन का बोन के साथ, वो थ्रू लिगामेंट होता है, ठीक है। एक बोन दूसरी बोन के साथ मोस्टली जो है वो अटैच हुई होती है थ्रू लिगामेंट, उन बोन्स को होल्ड करके रखता है बेसिकली ये लिगामेंट। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम के जो लिगामेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें जो है वो आपने ये जो पांच नाम है, ये जो फाइव लिगामेंट्स हैं, इनके नाम जो है वो बेसिकली याद रख रखने हैं। मोस्टली जो है वो क्वेश्चन आ सकता है एन्यूमरेट द लिगामेंट्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, तो उसमें जो है वो आपको नाम इसके जरूर जो है वो याद होना चाहिए, ठीक है। पहला जो है वो है ट्रांसवर्स लिगामेंट, जो फर्स्ट वन जो लिगामेंट है वर्टिब्रल कॉलम का, उसको हम कहते हैं द ट्रांसवर्स लिगामेंट। अब ये जो ट्रांसवर्स लिगामेंट है बेसिकली ये जो जो हमने स्ट्रक्चर एक डिस्कस किया है अभी थोड़ी देर पहले दोबारा से, ये जो ओडोन्टोइड प्रोसेस होता है, डेंस भी कहते हैं उसको, टूथ लाइक स्ट्रक्चर है, और वो C2 जो एक्सेस वर्टिब्रा है उसका पार्ट है, ठीक है। उसको उसको हो एक उसको करेक्ट पोजीशन में रखता है, और उसका जो जॉइंट है बेसिकली C1 के साथ, एटलस के साथ, इन दोनों बोन्स को, यानी कि दोनों वो जो वर्टिब्रे हैं C1 और C2 को अपनी जगह पे करेक्ट पोजीशन में रखता है, और वो जो लिगामेंट रखता है उसका नाम है ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक है। C1 और C2 को दोनों के जो जोड़ के रख रहा है जो लिगामेंट, वो है बेसिकली ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? पहला जो लिगामेंट आपने याद रखना है वो है ट्रांसवर्स लिगामेंट, जो कि बेसिकली C1 और C2 को होल्ड करके रखा है, ठीक। दूसरा जो लिगामेंट है, ठीक है, जो मतलब थ्रू आउट ऑफ द लेंथ ऑफ स्पाइनल, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, और ये एंटीरियरली प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब वर्टिब्रल बॉडीज के फ्रंट पे प्रेजेंट है, ठीक है, वर्टिब्रल बॉडीज के फ्रंट पे प्रेजेंट है एंटीरियरली, और लॉन्गिट्यूडिनल है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल है, और थ्रू आउट द लेंथ ऑफ वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, ठीक है। ये वो वाला लिगामेंट है जो कि बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम के फ्रंट पे प्रेजेंट है, ठीक है, और ये सारे वर्टिब्रे को बेसिकली सारे वर्टिब्रे को ऐसे इन कांटेक्ट है, और ऊपर से लेके नीचे तक ये प्रेजेंट है, ठीक है, फ्रंट पे प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम एंटीरियर कहते हैं, और जो बैक पे प्रेजेंट है उसको हम पोस्टीरियर कहते हैं, ठीक है। तो जो वर्टिब्रल कॉलम की बैक साइड पे जो पोस्टीरियरली जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, और ये बेसिकली वर्टिबल जो बॉडीज होती हैं, ठीक है, उनकी उन उनकी उनकी पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है, उनके पोस्टीरियर, उनके पोस्टीरियर होता क्या बेसिकली वर्टिब्रल जो है वो वर्टिब्रल जो कनाल डेवलप होती है उसके अंदर, ठीक है, ये जो वर्टिब्रल फोरामेन होता है, जो कि वर्टिब्रल बॉडीज की पोस्ट वर्टिब्रल फोरामेन जो है वो वर्टिब्रल बॉडी की बैक साइड पे होता है बेसिकली, तो ये जो लिगामेंट है ये वहां पे प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रल बॉडी की जो फ्रंट पे प्रेजेंट है ये एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, और जो बैक पे प्रेजेंट है ये पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल जो है वो लिगामेंट है, ठीक है। दोनों की समझ आ गई? ये समझ आई या नहीं आई? दोनों की समझ आ गया? दोनों बड़े सिंपल याद रखे हैं आपने, एक वर्टिब्रल बॉडी की जो फ्रंट पे प्रेजेंट है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, और जो बैक पे प्रेजेंट है ये पोस्टीरियर जो है वो
और लॉन्गिट्यूडियल लिगामेंट है, ठीक है। तो ये जो है वो दोनों आगे पीछे जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। फिर जो दो लिगामेंट आपने याद रखने हैं वो है एक लिगामेंटम न्यूचे और दूसरा जो है वो सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट है, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ जो है वो एक लिगामेंटम न्यूचे और फिफ्थ जो है वो सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट जो है, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो दोनों लिगामेंट हैं ये जो स्पाइनस प्रोसेस होते हैं, बेसिकली जो स्पाइनस प्रोसेसेस हैं सबवर्टिब्रे के, ये उनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो स्पाइनस प्रोसेसेस हैं वर्टिब्रे के, लिगामेंटम न्यूचे और जो सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट हैं, ये बेसिकली जो स्पाइनस प्रोसेसेस हैं ये उनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। एक और जो आप लिगामेंट यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ, वो आप लिख लें जरा, लिगामेंट का फ्लेवर। एक और जो सिक्स वन आपने याद रखना है, लिगामेंट का फ्लेवर। ये जो लिगामेंटा फ्लेवा बेसिकली ये जो होता है ना लेमिना पार्ट होता है, ठीक है। जो वर्टिब्रे का जो लेमिना होता है ये उनको आपस में कनेक्ट कर रहा है। दो लेमिना जो होंगे जो एक साथ साथ जो वर्टिब्रे पड़े हैं उनको आपस में जो है बेसिकली कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो लिगामेंटा फ्लेवा है, जो कि लेमिना जो पार्ट है वर्टिब्रे का ये उनको आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। जबकि जो लिगामेंटम न्यूचे और सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट जो है बेसिकली ये दो लिगामेंट, ये जो सारे के सारे जो स्पाइनस प्रोसेसेस होते हैं मल्टीपल कॉलम के, मतलब इंडिविजुअल वर्टिब्रे के, ये उनको आपस में बेसिकली कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्लियर है? दो ये जो लिगामेंटम न्यूचे और सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, ये दोनों बेसिकली जो स्पाइनस प्रोसेसेस हैं ये उनको आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। जबकि जो लैमिना है उनको आपस में कनेक्ट कर रहा है लिगामेंटा फ्लेवा, ठीक है। तो ये जो छह लिगामेंट्स हैं आपने बेसिकली याद रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ये कर्व्स हैं, इसको हम जरा ये बेसिकली कर्व्स बन रही होती हैं वर्टिब्रल कॉलम में, और फोर लोकेशंस पे जो है बेसिकली कर्व बन रही होती हैं, टू प्राइमरी होती हैं टू सेकेंडरी होती हैं। इसको जरा हम जब इसकी जरा बाद में इसको डिस्कस करेंगे, तो ये जो है ना ये आगे जाके आएंगे जरा कर्व्स। अभी जरा उसको होल्ड पे करो, अभी आपको शायद उसको समझ नहीं आएगी। अच्छा, मूवमेंट मूवमेंट भी जो है ये भी जरा इसको भी स्किप करो, तो मूवमेंट जो है बेसिकली वेरी लिमिटेड होती है, लेकिन जो होती हो सकती है वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन लैटरल रोटेशन, इसको जरा भी छोड़ दें। यहाँ पे जरा फिलहाल हम जरा फंक्शंस डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल इसके जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। जो वर्टिब्रल शानदार, मैं आपको बताता हूँ जरा, मैं ये फंक्शन जरा डिस्कस कर लें, मैं आपको इसका डिस्क्राइब करता हूँ जरा। ओके, अच्छा, इसके जो वर्टिब्रल कॉलम के फंक्शंस बेसिकली क्या क्या हैं, ठीक है। एक तो ये है कि जो वर्टिब्रल फोरामेन है, जो उप होल्स हैं बेसिकली वर्टिब्रल बॉडी के जो बैक साइड पे जो होल होता है उसको हम वर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं, ठीक है। अब एक दूसरे के ऊपर जब जितने भी ये जो वर्टिब्रे पड़े होंगे एक कैनाल डेवलप होती है, ठीक
ठीक है, और उसको हम वर्टिकल कनाल या न्यूरल कनाल कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम वर्टिकल कनाल या न्यूरल कनाल कहते हैं, ठीक। इस कनाल के अंदर बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड पड़ा होता है, ठीक है, इस कनाल के अंदर बेसिकली क्या पड़ा होता है, स्पाइनल कॉर्ड पड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्टिबल कॉलम है इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड पड़ा हुआ है, एंड इट वर्टिबल कॉलम जो है वो इट इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा एक डेलिकेट स्ट्रक्चर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर है, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बड़े डेलिकेट स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है जो स्पाइनल कॉर्ड है बेसिकली, वो प्रोटेक्ट हो रहा है किससे, वर्टिबल कॉलम से। ये बोनी स्ट्रक्चर है वर्टिब्रे जो है, और उनको बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहा है कौन, वर्टिबल कॉलम, ठीक है। उसके बाद जो ये जो पहला फंक्शन है वो क्या है कि ये जो आप उसकी उसकी पूरी आप डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, तो वर्टिबल फॉर्मिना से एक न्यूरल कनाल या वर्टिबल कनाल डेवलप हो रही है, और उस कनाल के अंदर बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड पड़ा हुआ है, तो उसको बेसिकली ऑब्वियसली क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। सेकंड जो इसका फंक्शन है वो है वो है बेसिकली ये जो इंटरवर्टिब्रल फॉर्मिना है, जो कि दो जो वर्टिब्रे होते हैं इनके दरमियान जो एक एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे जो है वो एक होल डेवलप हो रहा है, वो उसके उन होल्स के थ्रू बेसिकली ब्लड वेसल या तो एंटर हो रही है या एग्जिट हो रही है, ठीक है, लिम्फ वेसल्स भी एंटर एग्जिट हो रही है, और नर्व्स अंदर और बाहर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के बेसिकली आ जा रही है। एक तो ये इसका इंटरवर्टिबल फॉर्मिना की ये सिग्निफिकेंस होगी या फंक्शन होगा, ठीक है। फिर ये जो है वो इसकी मूवमेंट हमने अभी डिस्कस नहीं की, लेकिन ये भी इसका फंक्शन है कि जो है वो स्लाइड सी मूवमेंट होती है, एक्सटेंशन फ्लेक्शन लैटरल रोटेशन वर्टिबल कॉलम में, तो एक मूवमेंट जो है वो पॉसिबल होती है। जबकि जो एक इसका जो फोर्थ फंक्शन है वो है ये स्कल को जो है वो सपोर्ट करता है बेसिकली, जो जो C1 है हमारा, जो एटलस है उसके ऊपर ऑक्सीपिटल बोन उसके साथ अटैच्ड है, तो स्कल जो है वो ऊपर पड़ा हुआ वर्टिब्रल कॉलम के बेसिकली, तो उसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। जबकि जो इंट्रावर्टिब्रल डिस्क हैं बेसिकली जो कि प्रेजेंट हैं बिटवीन द वर्टिब्रे, ये क्या कर रही है, ये बेसिकली वर्टिकल कॉलम को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, और ये शॉक अब्सॉर्ब है, ठीक। और वर्टिकल कॉलम के दरम्यान मतलब ये वर्टिकल कॉलम के अंदर जो वर्टिब्रे पड़े हुए हैं इनके दरम्यान जो डिस्क हैं ये ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली, ये ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करती हैं, और वो इनडायरेक्टली कर रही होती हैं। कोई बता सकता है कि वर्टिबल जो इंटरवर्टिबल डिस्क है ये ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट कर रही है, कोई आइडिया? ब्रेन तो इनके अंदर नहीं पड़ा हुआ, लेकिन ये इनको कैसे प्रोटेक्ट कर रही है, इंटरवर्टिबल डिस्क, एनी गैस? वर्टिबल कॉलम के अंदर जो इंटरवर्टिबल डिस्क है ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, कैसे करती है, कोई आइडिया है? एनी गैस? वो स्पाइनल कॉर्ड है ना बेसिकली, ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे, डिस्क ये वर्टिब्रल कॉलम है और प्रोटेक्ट ब्रेन को कर रहे। बेसिकली होता क्या है कि इन केस ऑफ एनी फॉल, ठीक अगर कोई भी जो इंडिविजुअल है वो नीचे गिरता है, ठीक है, तो इन केस ऑफ एनी फॉल ये जो वो
वो तो ऑब्वियसली वो एक पॉइंट है, लेकिन इसका जो मेन जो इसका एक फंक्शन है जो जिसके थ्रू ये ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है, वो इस तरह कर रही है कि जब कोई भी आप इन केस ऑफ एनी फॉल, बंदा जब गिरता है नीचे की तरफ, तो ये जो है वो बेसिकली क्या है, ये शॉक अब्जॉर्बर है। ये क्या है, ये शॉक अब्जॉर्बर है। अगर ये शॉक अब्जॉर्बर नहीं होंगे तो नीचे गिरने की वजह से जो एक फोर्स जो एक डेवलप होगी वो इम्पैक्ट कर सकती है, उसका इम्पैक्ट ब्रेन पे आ सकता है। ठीक है, क्योंकि तो जब नीचे को कोई इंडिविजुअल गिरेगा तो वो जो फोर्स है, जो वर्टिब्रल कॉलम है उनके, वो फोर्स को ट्रांसमिट करेगा टूवर्ड्स ब्रेन। अब अगर उसमें इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर शॉक की अब्सॉर्बेंस की कैपेबिलिटी है और वो इन डिस्क डिस्क की वजह से जो है, तो वो जो फोर्स है वो बड़ी मिनिमल ट्रांसमिट होगी ब्रेन की तरफ, ऊपर की तरफ। तो इस लिहाज से ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है इन केस ऑफ फॉल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो ये ब्रेन को जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है तो वो फोर्स को ट्रांसमिट नहीं होने देती, मतलब उसको प्रिवेंट करती है। अगर अगर फोर्स ही इतनी ज्यादा तो फिर तो पॉसिबिलिटी है कि चलिए, लेकिन फिर भी जो है वो बड़ी हद तक ये उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जो लास्ट जो इसका फंक्शन है वो फंक्शन है, बल्कि कि एक तो ये है कि ये जो वर्टेब्रल कॉलम है ये एक्सेस है ट्रंक का बेसिकली, और ये रिब्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या है, सबसे पहले तो ये किस दिन को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है, रिब्स को कर रहा है, स्कल को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जो शोल्डर गर्डल्स होते हैं ये उनको भी अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली। ठीक है, अपर लिम्स को भी अटैच हो रहे हैं अल्टीमेटली इनके साथ। ठीक है, जबकि पेल्विक गर्डल्स और लोअर लिम्स, तो ये जो है वो बेसिकली उनके साथ ये वर्टिब्रल कॉलम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है किसी तरह उनकी अटैचमेंट हो गया, तो ये भी जो है उसका फंक्शन है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेंगे, नेक्स्ट पेज जो है वो कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है थोरैसिक केज। ठीक है, थोरैसिक केज जिसको हम रिब केज भी कहते हैं, ये हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इसको बड़ी हद तक डिस्कस किया था। थोरेसिक केज का जो बेसिकली जो बोनी पार्ट है वो किन किन चीजों से मिलकर बन रहा है। ठीक है, थोरेसिक केज में एक स्टर्नम है, उसके साथ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, यानी कि 24 रिब्स हैं और 12 थोरेसिक वर्टिब्रा है। ठीक है, तो ये जो 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स हैं ये मिलके बेसिकली क्या बना रहे हैं, थोरेसिक केज हमारा बना रहे हैं 12 थोरेसिक वर्टिब्रा, जो कि T1 से लेके T12 तक, और एक बोन है जो ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं उसको, स्टर्नम जो है, ये मिलके हमारा थोरेसिक केज बना रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसको स्टर्नम को। स्टर्नम जो है बेसिकली इट्स अ फ्लैट बोन, इसके जो है वो इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं स्टर्नम के जो है वो, यहाँ पे डायग्राम आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। 3 मेन पार्ट्स होते हैं, तो इसमें डायग्राम हो गया ये वाला। ठीक है, इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, ये स्टर्नम का स्टर्नम की डायग्राम है। ठीक है, चलो अपर पार्ट को हम बेसिकली मैनुब्रियम कहते हैं। अपर पार्ट को हम क्या कहते हैं, मेनुब्रियम कहते हैं,
जो मेन इसकी जो शाफ्ट है या बॉडी है उसको हम बॉडी कहेंगे, ठीक है। और जो एक टिप है इसकी स्टर्नम की, इसको हम ज़ाइफॉइड प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इसको हम ज़ाइफॉइड प्रोसेस कहते हैं। थ्री मेन पार्ट्स, ठीक है। एक ऊपर वाले को हम मनुबियम कहते हैं, मिडल वाले पार्ट को हम बॉडी कहते हैं, ठीक है, ये इसका मेन पार्ट है। और नीचे वाली जो टिप है इसको हम ज़ाइफॉइड प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब जो है वो जो क्लेविकल है, जो कॉलर बोन हमारी होती है, वो भी स्टर्नम के साथ एक साइड पे अटैच हो रही होती है, और जो जॉइंट बना रही होती है उसको हम स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं, ठीक है। उसको हम स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो स्टर्नम क्या है बेसिकली, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं स्टर्नम। उस स्टर्नम क्या है, जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमने जो है वो इसका जो स्ट्रक्चर अगर डिस्कस करना है तो वो स्टर्नम का और रिब्स का करना है, ठीक है। तो स्टर्नम जो है वो बेसिकली उसके थ्री मेन पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है वो मनुब्रियम है, ठीक है। और मनुब्रियम के साथ बेसिकली जो मनुब्रियम वाला पार्ट है स्टर्नम का, उसके साथ एक तो राइट और लेफ्ट साइड पे क्लेविकल, राइट क्लेविकल और लेफ्ट क्लेविकल जो है वो अटैच होती है, और जो जॉइंट्स बना रहे हैं उसको हम कहते हैं स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट्स बन रहे हैं। एक राइट साइड पे बन रहा है और एक लेफ्ट साइड। और उसके बाद जो पहली जो दो रिब्स होती हैं, बेसिकली फर्स्ट जो टू पेयर होते हैं वो भी मनुब्रियम के साथ अटैच होते हैं। वो भी जो फर्स्ट टू पेयर हैं वो भी किसके साथ अटैच होते हैं, फर्स्ट टू पेयर्स, दो राइट साइड पे और दो लेफ्ट साइड पे जो है रिब्स के पेयर जो है वो मनुब्रियम के साथ अटैच होते हैं। उसके बाद जो जो पार्ट है वो बेसिकली वो है बॉडी, ठीक है। और नेक्स्ट जो फाइव पेयर्स होते हैं, बेसिकली नेक्स्ट जो फाइव पेयर्स होते हैं वो बेसिकली बॉडी के साथ अटैच होते हैं, ठीक। वो किसको किसके वो किस स्टर्नम किस पार्ट के साथ अटैच है, बॉडी के साथ, नेक्स्ट फाइव, ठीक है। तो टोटल जो सेवन पेयर्स होते हैं रिब्स के, दे आर डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम, इसीलिए हम उनको थ्रू रिब्स कहते हैं। जो फर्स्ट सेवन पेयर्स हैं रिब्स के, दे आर नोन एज थ्रू रिब्स, और वो डायरेक्टली अटैच है स्टर्नम के साथ। तो पहली टू जो है पेयर्स वो मनुब्रियम के साथ अटैच है, नेक्स्ट जो फाइव है वो बॉडी के साथ अटैच है, ठीक है। जबकि जो लास्ट वाला इसका पोर्शन है, पार्ट है इसका, ज़ाइफॉइड प्रोसेस टिप लाइक स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली डायफ्राम को और एंटीरियर जो अब्डोमिनल वॉल होती है, बेसिकली मसल होते हैं इसके एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल के, और एक लाइन सी होती है जिसको लिनिया एल्बा कहते हैं, ये आएगा डाइजेस्टिव में भी आएगा, ये अटैच हुई होती है इसके साथ ज़ाइफॉइड प्रोसेस के साथ। थ्री मेन पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो रिब्स है, ये स्टर्नम हो गया। उसके बाद जो है ये स्टर्नम इसके पार्ट्स ज़ाइफॉइड प्रोसेस। नेक्स्ट जो है वो हम रिब्स का जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या है, रिप्स में इसके 12 पेयर्स हैं, ठीक है, टोटल 24 रिप्स होती हैं, और ये बेसिकली कर्व्ड बोन्स होती है, लंबी सी कर्व्ड ऐसे बेंड हुई होती है ये बोन है, ठीक है। और पोस्टीरियरली ये वर्टिबल कॉलम के साथ अटैच होती है, जबकि एंटीरियरली जो है वो स्टर्नम के साथ अटैच है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट सेवन पेयर्स हैं दे आर डायरेक्टली अटैच विद द स्टर्नम, ठीक है। और ये डायरेक्ट अटैच तो हो रही है, लेकिन जिस स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच
टेस्ट हो रही है, ठीक है, और उन कार्टिलेजेस को हम कॉस्टल कार्टिलेजेस कहते हैं, ठीक है, उन कार्टिलेजेस को हम क्या कहते हैं, कॉस्टल कार्टिलेज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो 3 पेयर हैं इनके रिब्स के, ये इनडायरेक्टली आर्टिकुलेट होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये नेक्स्ट जो 3 हैं, बेसिकली ये जो 7th है, बेसिकली समवट उनके साथ अटैच हो रही होती है, जबकि वो 7th जो है वो स्टर्नम के साथ अटैच हो रही होती है। आगे मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जबकि जो लास्ट जो 2 पेयर्स हैं वो फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं उनको, ठीक है। फर्स्ट 7 ट्रू रिब्स, नेक्स्ट 3 जो है वो फॉल्स रिब्स, और जो लास्ट 2 पेयर्स हैं जो वो फ्लोटिंग रिब्स हैं, ठीक है। और जबकि आपने एक जो चीज़ ये हमने उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस की थी, तो फर्स्ट रिब जो है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। इसलिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ इसको। हाँ, ये वाला डायग्राम देखा मेरा, मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन की थी। ये जरा देखें, अच्छा, ये ऊपर वाला जो पार्ट है बेसिकली ये डायग्राम का, ये एंटीरियर पार्ट है और पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है ये बेसिकली एक अरेंजमेंट है सारे स्ट्रक्चर्स की, जो जो रिब केज है, जो थ्रेसिक केज है, उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपको ये जो अगर आप ऊपर की तरफ देखें इसी स्ट्रक्चर में, सेंटर में आपको स्टर्नम नजर आ रही है, ठीक है। बोन जो है वो इसका, अगर ये जो हमें सुपीरियर व्यू हमें मिल रहा है बोन है, तो उसके साइड पे राइट और लेफ्ट 2 कार्टिलेजेस है, ठीक है। स्टर्नम के साइडों पे 2 कार्टिलेजेस हैं जिनको हम कॉस्टल कार्टिलेजेस कहते हैं। राइट साइड पे भी एक कार्टिलेज है और लेफ्ट साइड पे भी एक कार्टिलेज आपको नजर आ रही है, ठीक है। उसको एक को लेबल भी किया हुआ है एज कॉस्टल कार्टिलेज। इस कॉस्टल कार्टिलेज के साथ, ये कॉस्टल कार्टिलेज स्टर्नम के साथ अटैच है, और यही कॉस्टल कार्टिलेज के साथ आके जो है वो रिब अटैच होती है, ठीक है। और रिब और कॉस्टल कार्टिलेज के दरमियान जो जॉइंट बन रहा है उसको हम कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट कहते हैं। द जॉइंट बिटवीन द रिब एंड कार्टिलेज, उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्टो कॉन्ड्रल जॉइंट, ठीक है। अब ये जो रिब है जो आपको डार्क ग्रे से कलर में नजर आ रही है, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अब पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली जो है ये बेसिकली थोरेसिक वर्टिब्रे के साथ अटैच हो रही है। पोस्टीरियरली ये थोरेसिक वर्टिब्रे के साथ अटैच हो रही है, और ये जो है बैक साइड पे जो थोरेसिक वर्टिब्रा है उसको एटलीस्ट जो है वो ये बेसिकली 3 पॉइंट्स पे जो है ये जॉइंट बनाती है। 3 पॉइंट्स पे जो है ये मिल रही होती है उसके साथ, थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ, ठीक है। तो ये जो है वो कुछ इसकी अरेंजमेंट होती है थोरेसिक केज में जो है वो स्टर्नम कार्टिलेज, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है मैं पूछ रहा हूँ? क्लियर है यहाँ तक?
मरीन जायफल प्रोसेस में क्या नहीं समझ आया आपको? जायफल प्रोसेस बेसिकली थर्ड पार्ट है इसका, स्टर्नम का, ठीक है, टिप लाइक, कैसे फाइन टिप लाइक स्ट्रक्चर है, और ये बेसिकली अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है मसल्स को, जो डोमिनल वॉल के मसल है और डायाफ्राम को, जो कि बेसिकली मेजर जो प्राइमरी मसल है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है वो इसके साथ रिब्स अटैच नहीं होती, ठीक है, रिब्स जो है वो बेसिकली अटैच हो जाती है मनूबियम के साथ और बॉडी के साथ स्टर्नम को, ठीक है। मैं ज़रा वो डायग्राम ढूंढ रहा हूँ आपको, ज़रा वो फ्लोटिंग फ्लोटिंग जो है वो रिप्स और अच्छे रिप्स है और फॉल रिप्स है। निमरा जो पोस्टीरियर में ये है, ये जो रिब्स हैं ये राइट राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, ये जो थोरैसिक वर्टिब्रे है ये उनके साथ जाके मतलब जॉइंट बना रही है, ठीक है। और इनका बेसिकली थ्री पॉइंट्स पे जो है वो ये कांटेक्ट में होती है, एक जो टिपिकल जो थोरैसिक वर्टिब्रे है उसके साथ। मैं आपको ज़रा इसकी ना किसी तरीके से डायग्राम दिखाता हूँ, ये थोड़ा ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये जरा ये डायग्राम देखें, ये डायग्राम को जरा गौर से देखें। अब आपको आवाज आ रही है क्लास? इस डायग्राम को जरा क्लास गौर से देखें, और इसमें आपको ये थोरेसिक वर्टिब्रा है उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके डायग्राम है। और ऊपर ये जो आपको इसकी एक थोरेसिक वर्टिब्रे की एक वर्टिबल बॉडी नजर आ रही है, ठीक है, और राइट और लेफ्ट साइड पे बॉडी के मतलब ये जो बॉडी है इसकी राइट और लेफ्ट साइड पे दो सरफेसेस नजर आ रही है, ठीक है, एक राइट साइड पे नजर आ रही है और एक लेफ्ट साइड। इसको इस सरफेस को हम कॉस्टल फैसेट कहते हैं, ठीक है, एक ये फैसेट है एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। इसी तरह एक और दो और आपको फैसेट नजर आ रही है, ठीक है, और वो है बेसिकली ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ठीक है, ट्रांसवर्स प्रोसेस है इसका, वहां पे आपको दो फैसेट्स नजर आ रही है, एक राइट साइड पे नजर आ रही है और एक लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है, ठीक है। तो जो रिब है
अगर हम एक रिब की बात करें तो वो जो एक रिब बार ये है वो इन दो पॉइंट्स पे, ये जो एक कॉस्टल फैसेट है और एक कॉस्टल ट्रांसवर्स फैसेट है जो कि ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर एक फैसेट है, यहाँ पे दो जॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, रिब का एक ही रिब का इन दो पॉइंट पे जॉइंट बन रहा है। ठीक है, एक ही रिब का इन दो पॉइंट्स पे जॉइंट बन रहा है, एक कॉस्टल फैसेट पे और एक एक जो है वो इसका बन रहा है इस पे जो कॉस्टल ट्रांसवर्स फैसेट है इसके ऊपर। थर्ड जो जॉइंट बन रहा है वो मैं आपको ना अभी डायग्राम जो है वो अपलोड करके दिखाता हूँ जरा। जरा से वेट करिए, तो मैं अपलोड करता हूँ। क्लास उसमें वो अभी जरा रेडिली उसमें मिल नहीं रही मुझे, लेकिन अभी इसको इसको आपने मुझे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में, अगर मैं मतलब अगर भूल जाए तो मुझे आपने रिमाइंड करवाना, मैं आपको इसको मैं दिखाऊंगा। लेकिन अभी आपने दो मैंने आपको दिखा दिए, इसकी थर्ड जो है वो डायग्राम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूंगा। लेकिन आपने इसको मतलब याद ऐसे ही रखना है कि थ्री पॉइंट्स पे इसका रिब का थोरेसिक वर्टिब्रे के साथ एक रिब का जॉइंट थ्री पॉइंट्स पे बन रहा है।
ठीक है, दो मैंने आपको दिखा दी, थर्ड जो वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में जो है वो आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिकली ये थ्रेसिक केज या रिब केज का जो है वो जो भी उसके पार्ट्स है, स्ट्रक्चर है, वो अभी हमने डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली हमने वर्टिब्रल कॉलम और थ्रेसिक केज जो है वो डिस्कस कर लिया, उसके रिब केज के हमने थ्रेसिक केज सॉरी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका हमने जो क्या वो जो पार्ट्स फंक्शन के जो वो डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो हम थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे इसका रिब का, वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जरा उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, और साथ हम अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, है ना। अब एक्सियल स्केलेटन खत्म हो जाएगा हमारा नेक्स्ट, तो थोड़ा सा ये रिब हमने डिस्कस करना है, और उसके बाद ये जो है वो एक्सियल स्केलेटन खत्म हो जाएगा नेक्स्ट। वो आपको अपर लिम्ब जो लोअर लिम्ब यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो स्टार्ट हम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें, और मैं आप लोगों की जो है वो अटेंडेंस लगवा।
अच्छा, ये जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स, मैं उनके नाम आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जिनके अटेंडेंस लगी है। मरियम शजर, एम्बर, हिरा जफर, रोशना कंवल, शांता बानो, खुशनूद, आतिका, लुबाइना, अदीना, अफसा नूरीन, निम्रा, अदील, अलीजा शौकत, निशा नसीम, राबिया मुजीब, महनूर, रौनिका और आशा। ठीक है, ये जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके नाम बोल हूँ। मरियम शजर, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, मरियम शजर, एम्बर, हिरा, रोशना, शांजा, खुशनूद, आतिका, लुबाइना, अदीना, अफसा, निम्रा, अदील, लीजा, रोनिका और आयशा। मरीम, आपकी नाम नहीं बोला तो अपने अटेंडेंस लगवा। आयशा, आपका भी नाम मैंने बोला। उनका मैंने आपका नाम नहीं बोला, उनका मैंने नाम नहीं बोला। अगर उनमें कोई प्रेजेंट है तो अपनी अटेंडेंस लगवा लें। कैसे मैं लेकिन आवाज आ रही है। क्लास, जो प्रेजेंट है, मैं उनके नाम एक दफा फिर बोलने लगा हूँ। मरियम, अंबर, हिरा, रोशना, शांजा, खुशनूद, आतिका, लुबाइना, अदीना, अफसा, निम्रा, अदील, अलीजा शौकत, निशा, राबिया मुजीब, महनूर, रौनिका, आयशा शबीर, सना कंवल। इनके अलावा भी अगर कोई प्रेजेंट है तो अपने तरफ से लगवा लें। बस यही है प्रेजेंट।
जी शानदा, बेसिकली जो लैमिना है वो दो दो साइडों पे है, और जहाँ पे दो लैमिना मिल रहे हैं वो स्पाइनस क्रॉस है सर। ठीक है, वो बेसिकली शानदा, आवाज आ रही है शानदा? शानदार, आवाज आ रही है आपको? हाँ ठीक है, तो जो दो ये जो लिगामेंटा फ्लेवा है बेसिकली, ये जो दो एडजेसेंट ट्यूबर्टिब्रे हैं जो एक दूसरे के साथ हैं, उनके लैमिना को ये कनेक्ट करता है लिगामेंटा फ्लेवा। ठीक है, जबकि जो लिगामेंटम नीचे और लिगामेंट जो सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट है, ये स्पाइनस जो प्रोसेसेस हैं वर्टिब्रे के, वर्टिब्रल कॉलम के, ये उनको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दो बेसिकली डिफरेंट है। ठीक है, लिगामेंटा फ्लेवा जो है वो बेसिकली कनेक्ट करता है जो लैमिना है एक के साथ जो दूसरा वर्टिब्रे है उनके लैमिना को। ठीक है, जबकि जो लिगामेंटम नीचे और सुप्रा स्पाइनस और जो लिगामेंट है, ये स्पाइनस प्रोसेसेस को जो है वो बेसिकली कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये दो डिफरेंट है। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन है किसी का? नेक्स्ट जो है वो हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर रहता है उसका, रिब्स का, वो हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। क्लियर है अब? इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।